वेलकम टू सुकलाइटी पॉइंट दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुकलाइटी पॉइंट में। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी, बीए थर्ड ईयर को लेकर के हमने बताया था हिंदी साहित्य सब्जेक्ट में कि हिंदी साहित्य सब्जेक्ट में जो फर्स्ट पेपर है बीए थर्ड ईयर में यानी फाइनल ईयर में, वो कौन सा है आपका, तो वो है आधुनिक अवधि काव्य यानी जो जनपदीय भाषा साहित्य होती है उसके बारे में हमने चर्चा करी। देन हमने बताया था कि जो इसके बाद चर्चा करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास एवं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लेक्चर है मतलब जो आपका सेकंड पेपर होता है बीए थर्ड ईयर का, एंड जो थर्ड पेपर होता है आपका वो होता है प्रयोजन मूलक हिंदी का। तो इसके बाद उसका जो है सिलेबस डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र बीए फाइनल ईयर के बारे में, देखेंगे कि इसका जो सेकंड पेपर है यानी द्वितीय प्रश्न पत्र, इसका सिलेबस जो न्यू वाला है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार का सिलेबस इस बार है, पिछली सिलेबस के समान ही है या फिर कुछ और है, क्या नया है, क्या वही है। तो हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर का आपका नाम है, इसको हम दो रूप में पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसका विकास एक में देखेंगे और दूसरे में हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का विकास। ठीक, तो हिंदी भाषा में जैसे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, हिंदी की मूल आकार कैसी थी, ठीक, मूल आकार की भाषाएं कैसी थी, विभिन्न भाषाओं का विकास हुआ कैसे, किस प्रकार से हिंदी के समानांतर ही, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही इसके हिंदी भाषा के विविध रूप देखेंगे, जैसे बोलचाल की भाषा अलग है यहाँ पे, इसकी रचनात्मक भाषा अलग है हिंदी की, संचार भाषा अलग है, संपर्क भाषा अलग है, राष्ट्रभाषा अलग है, राज्य भाषा अलग है, ये सब हिंदी के ही रूप हैं, हिंदी भाषा के विविध रूप हैं जो हमने अभी भी आपको बताया। साथ ही हिंदी शब्द भंडार को हम देखेंगे जिसके अंतर्गत तत्सम शब्दावलियाँ, तद्भव शब्दावलियाँ, देशज, आगज शब्दावलियाँ। तत्सम मीन्स होता है जो हूबहू संस्कृत के समान शब्द होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ घृत, क्षीर, ठीक, गोधूमस्य, पंचगव्य, पंचमृत, ये सारे जो हैं, ठीक, तो ये सब कैसी भाषा है, ये सब तत्सम शब्दावली हैं। अब देखिए तत्सम जैसे घृत है उसको तद्भव में हम चेंज करेंगे, बेटा रूप उसी को हम तद्भव बोलते हैं, ठीक, तो उसका जो उद्भव हुआ है तत्सम से संस्कृत भाषा से हिंदी में जो शब्द आए हैं तो धीरे धीरे घिस पिट करके उनकी मात्राओं में उन शब्दों में कुछ जो है मतलब सहजता आई है। संस्कृत की शब्दावलियाँ कठिन हैं लेकिन संस्कृत के बारे में एक श्लोक प्रचलित है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। तो ये जो है बहुत इसमें जो काव्य हैं वो बड़े ही मधुर हैं, भाषाओं में मुख्य मधुर एवं सभी भाषाओं की जननी भी कही जाती है हिंदी, ठीक, वो सॉरी संस्कृत, तो वही चीज़ें बताई गई हैं और ये देववाणी है संस्कृत जो है तो वही बताई गई। तो तत्सम मीन्स होता है जो तत्सम जो संस्कृत के ही शब्द हैं, जैसे घृत हो गया, अब इसका तद्भव निकालेंगे घृत का तो घी हो जाएगा, क्षीर है उसको हम क्या बोलेंगे, खीर बोलेंगे, ठीक, इसी प्रकार से जैसे नीर हो गया उसको हम जो है इस प्रकार से बोलते हैं। तो मतलब जो तत्सम शब्दावलियाँ हैं संस्कृत से जो है बिलोंग करती हैं, संस्कृत की शब्दावलियाँ हैं उसी के घिसे पिटे रूप को हम तद्भव बोलते हैं। और ठीक जैसे कर्पूर हो गया तो कर्पूर जो है आपका संस्कृत है, एक जो है श्लोक आता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम, इसी प्रकार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस प्रकार से होता है। तो वो कर्पूर मतलब होता है कपूर आज की भाषा में, तो तत्सम में कपूर हो गया, ठीक। अब देखिए देशज शब्द कैसे हैं, जैसे देशज शब्द जो यहीं से मूल निवासियों से बोले जाते रहे हों, जैसे लोटा हो गया, खटिया हो गया, ठीक, मचिया हो गई, इस प्रकार से जो देशज मतलब यहीं से उत्पन्न हुए हैं शब्द। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विभिन्न भाषाओं से लिए जाते हैं, जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द है, कोई फारसी का है, कोई उर्दू का है, कोई अरबी का है, जैसे वकालत, वकील, ये सारे शब्द अलग के हैं, जैसे कि आप बोलते हो इंग्लिश के बहुत सारे शब्द आप यूज़ करते हैं तो वो सारे के सारे आपके आगत शब्दावलियों में शामिल होते हैं। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंतर्गत हम देखते हैं आदिकाल से पूर्व मध्यकाल कैसा था, उत्तर मध्यकाल कैसा था, आधुनिक काल की सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, आदिकाल मतलब जो वीरगाथा काल जिसको हम नाम देते हैं, तो आदिकाल में किस प्रकार की विशेषताएं थी, किस प्रकार से सामाजिक वातावरण था, आखिरकार वहाँ पे ऐसा सामाजिक वातावरण क्यों उत्पन्न हुआ जिससे वहाँ के जो कवि थे उस समय के वो वीर में रचनाएं, जैसे नरपतिनाल हो गए,
ठीक, आलखंड जिन्होंने लिख डाला, चंदबरदाई, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कवि हुए, दलपत, विजय कुमार, लासो, परमान लासो, इस प्रकार से लोग हुए हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ उन सभी पे। तो वो आखिरकार वीरगाथा काल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या विशेषताएँ थी। उसके बाद वीरगाथा काल के बाद में आप आते हैं भक्ति काल में, जिसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल पढ़ेंगे, भक्ति काल में कबीर, रहीम, इन सभी को पढ़ेंगे आप, ठीक, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक, इन सभी को पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें हम जो है भक्ति काल को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। दो भागों में किसमें किसमें बांट के पढ़ते हैं हम, तो दो भागों में हम बांटते हैं भक्ति काल को। एक तो वो उत्तर मध्य काल, ये सब अलग की बातें, उसको तो हम किसी प्रकार से अपने अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बांट सकते हैं, लेकिन भक्ति काल को जो है दो शाखाएं इसमें हैं, ज्ञानासरई, प्रेमासरई। तो प्रेमासरई में जो मतलब सॉरी, एक होता है सगुण काव्य धारा, इसकी एक निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में एक होती है प्रेमा, सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा है, जबकि निर्गुण में आपका है प्रेमासरई, ज्ञानासरई। ज्ञानासरई के कौन हैं, तो ज्ञानासरई के आपके हैं कबीरदास प्रवर्तक, प्रेमासरई के हैं मलिक मोहम्मद जायसी प्रवर्तक, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं सूरदास प्रवर्तक, और राम भक्ति शाखा के हैं कृष्ण, ओ सॉरी, तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है, दास रूप है, और जबकि सूरदास जी की जो भक्ति है वो सखा रूप है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी को हम चर्चा करते हैं। आइए अपने सिलेबस की ओर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आखिरकार सिलेबस में आपके क्या क्या वर्णित है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। मित्रों देखिए, यहाँ पे आपके सामने सिलेबस का चार्ट आपके सामने आया। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य आपका पाठ्यक्रम है, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के दो उपभाग होंगे, जैसे एक में हम का में पढ़ेंगे हिंदी भाषा का स्वरूप और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, साथ ही खा में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे है। विषय वस्तु देख लेते हैं, पाठ्य विषय क्या क्या होते हैं। इसमें आपको कवियों के बारे में नहीं पढ़नी होगी, उनकी जो वहाँ की से वीरगाथा काल की विशेषताएं हो गई, उनकी विशेषताएं होंगी, उनकी रचनाएं हो गई, मतलब इस प्रकार से वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि स्थितियाँ होंगी, उन सभी को हमको पढ़ना होता है, ठीक। साथ ही भाषा में किस प्रकार से धीरे धीरे सुधार हुआ, पहले कौन कौन सी भाषा चलती थी, ठीक, तो वो सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले कौन सी भाषा चलती थी, तो वो भाषाएं जैसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत के बाद में पाली भाषा आई, पाली के बाद में प्रकृत आई, प्रकृत में आपकी प्रकृत के बाद सौर सेनी प्रकृत है, उसी के अंतर्गत आपकी महाराष्ट्रीय प्रकृत है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाती थी, ठीक, मागधी है, ठीक, और जो सौर सेनी मथुरा के आसपास बोली जाने वाली भाषा थी प्रकृत की। प्राकृत भाषा में महाराष्ट्रीय यानी या जो महाराष्ट्री थी, ये साहित्यिक दृष्टि से महाराष्ट्रीय प्राकृत नाम से सर्वप्रमुख है, ठीक। और इसी को जो सौर सेनी प्राकृत है, इसी को मतलब सौर सेनी का जो मतलब विस्तृत रूप है, विकसित रूप है, वही महाराष्ट्रीय प्राकृत में आ जाता है। उसके बाद में मागधी प्रकृत है, ठीक, इसमें भी सौर सेनी का प्रभाव दिखता है, ठीक। फिर अर्ध मागधी प्रकृत है, ये कौशल के प्रांत में बोली जाती थी, काशी प्रदेश में बोली जाती थी अर्ध मागधी, ठीक, मतलब हम लोगों के इधर, ठीक। उसके अंदर पैसाची प्राकृत, फिर इसी से धीरे धीरे बढ़ता गया अपभ्रंश भाषा, इसके बाद अपभ्रंश भाषा जो है मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का तीसरा चरण अपभ्रंश ही था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में महर्षि पतंजलि ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपभ्रंश, ठीक। उसके बाद में अपभ्रंश के बाद में क्या आती है, अपभ्रंश का जो देहाती रूप होता है उसी को हम लोग अवहट्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। इस प्रकार से भाषाएं आती गईं, ठीक, और धीरे धीरे चल के करते उसके बाद में फिर जो है जब हिंदी का विकास होने लगा तो 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौर सेनी, मागधी, अर्ध मागधी रूपों में होता है, जिनका विकासात्मक संक्षिप्त परिचय अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत आपका सिंधी भाषा आ जाती है, जो आजकल के पाकिस्तान के सिंध प्रांत इत्यादि में बोली जाती है, ठीक। और उसके बाद में लहंदा भाषा है, इसका जो पश्चिमी पंजाब में ये भाषाएं बोली जाती हैं वो अब पाकिस्तान में ही है, सिंधी, लहंदा। उसके बाद में पंजाबी भाषा, तो ये हिंदी भाषी इलाके में मतलब अपने इधर है पंजाब वाले में। गुजराती भाषा है, तो गुजरात, बड़ौदा इत्यादि के निकटवर्ती भूभाग पर ये भाषा बोली जाती थी। राजस्थानी समकालीन है, सब हिंदी के समकालीन ही तमाम सारी बोलियां विकसित होती गई, इन्हीं का जो विस्तृत समूह है, इन्हीं लोगों का समावेश करके के हिंदी नामक भाषा उत्पन्न हुई है। राजस्थानी भाषा, ये राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती थी, ठीक। और इसी के भी बहुत सारे और रूप हैं, जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक,
मेवाती इस प्रकार से। फिर पूर्वी हिंदी है, इसका नाम कोसली भी है, तो ये भी बड़े ही भूभाग पर बोली जाती थी। बिहारी, बिहार वाला क्षेत्र, इस बिहार से लगे हुए कुछ यूपी के क्षेत्र, तो यहाँ सब पे बिहारी भाषा। ठीक, उड़ीसा, उड़िया से मतलब जो उड़ीसा की भाषा थी उड़िया उसको बोला जाता था। बंगला, असमिया, मराठी, पहाड़ी भाषाएं इत्यादि भाषाएं होती थी। ये सारी के सारे समांतर भाषाएं चलती रही हिंदी के। तो इस प्रकार से विभिन्न भाषाएं आपको पढ़नी होगी। ठीक, जो असमिया भाषा हमने बताया था वो असम प्रांत की भाषा बोली जाती है, इसी को असमिया असम से ही नाम दिया गया है। उड़िया के समान इसका भी बंगला भाषा में बंगला भाषा से ही घनिष्ठ संबंध है। ऐसे मराठी हमने भी बताया, मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक, बम्बई हो गया, नागपुर इत्यादि के क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। साथ ही पहाड़ी भाषा जो है, पहाड़ी भाषाओं के बाद में करूँ तो हिमालय के दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ, उसके उस पार वाले कुछ क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं, पूर्वी पहाड़ी, केंद्रवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों पे जो है ये भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वी को पूरब में को नेपाल, नेपाली पर्वतिया, गोरखखाली, ठीक, हसकुरा इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है। तो नेपाली भाषा भी जो है हिंदी के ही समकालीन है। ये सारी की सारी भाषाएं जो है कुछ ना कुछ रूप देखने को मिलते हैं एक दूसरे से रिलेट करके अगर देखें तो। साथ ही दोस्तों आगे हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। अपने सिलेबस में जब हम देखते हैं अपने भाषा तथा उसके जो है, जैसे यहाँ पे देखें, काम्य भाषा का स्वरूप विकास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी की मूल आकार हम देखेंगे, भाषा तथा विभिन्न भाषाओं का विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप में आप देखते हो, बोलचाल की भाषा, माध्यम भाषा हिंदी। तो इसमें क्या होता है जैसे कि शिक्षण तथा जन भाषाओं, जन जैसे कि शिक्षण है और जो मनुष्य के बीच की भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं कि अभिव्यक्ति, दोनों का सशक्त माध्यम हिंदी बन रही है। अब पूरे भारत में सूचनाओं के आदान प्रदान अगर देखा जाए तो उसका माध्यम भी हिंदी है। राजकाज चलाने के माध्यम में भी यही भाषा प्रमुख रूप से होती है। तो कुल मिलाकर के जो है बोलचाल की भाषा हिंदी जो है ये ठीक ठाक से मात्रा में चल रही है। और उसके बाद में रचनात्मक भाषा है आपकी। रचनात्मक भाषा का मतलब होता है हिंदी एक उच्च कोटि के साहित्य सृजन की भाषा है। तो इसके अंतर्गत रचनात्मक उसमें क्या क्या कला दृष्टि है, कला पक्ष में किस प्रकार से है, ठीक, इस प्रकार से मानक भाषा किस प्रकार से है। ठीक, तो मानक भाषा मतलब कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित तथा शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में, लेखन में, प्रशासन में और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये परिभाषा बताई भोलानाथ तिवारी जी ने। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो है मानक हिंदी है, तो ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, रचनात्मक भाषा के अंतर्गत। तो अगर जब आप प्रयोजन मूलक हिंदी जो मैं बताऊंगा, जब प्रयोजन मूलक हिंदी हम पढ़ेंगे तो उसमें मानक भाषा के ऊपर पूरा का पूरा ही टिकी है, पूरी की पूरी वो मतलब आपका पेपर ही उसी पर टिका हुआ है। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ मित्रों लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक, हिंदी की पाँच उपभाषाएँ होती हैं, एक बात भी इसको भी जानिए, हिंदी की पाँच उपभाषाएँ होती हैं। कौन कौन सी अगर मैं बांटूँ तो, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक, और पहाड़ी हिंदी। तो कौन कौन सी हुई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, तो इस प्रकार सारी चीज़ें हैं। और भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं संचार भाषा। संचार भाषा आज के विविध जन संचार के माध्यम हो गए, जैसे रेडियो, टेलीविजन हो गया, समाचार पत्र आदि जो हैं सारी भाषाएं हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। तो इन सब में जो भाषा प्रयोग की जाती है हिंदी की, उसको जो है हम संचार भाषा के रूप में देखते हैं। और अधिकांश भारत की जनसंख्या इसे बोलती है और समझती है हिंदी के माध्यम से। अब जो है पहले देखा करते थे आप, हिंदी में टाइपिंग कम हुआ करती थी, आधा लिखना हो तो कोई चीज़ नहीं लिख पाते थे हम लोग। जैसे कि हिंदी में जो है जो लिपियां हैं, लिपि मतलब लिपि करने, जो देवनागरी लिपि में लिखने की समस्या है बहुत सारी, जैसे आधे आधा चीज़, जैसे आधा ला लिखना हो तो उसमें नहीं था पहले, आधा ला अलग से आता था तो उसमें बड़ी कठिनाई होती थी। आजकल गूगल कीबोर्ड, गूगल इंड कीबोर्ड हो गया है, विभिन्न प्रकार के जो है इन सभी में, संचार में, रेडियो में,
ठीक, दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से हम बहुत सारी मतलब सीख रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं तो उसमें रोमन लिपि में, लेकिन वो लिख के आके किस में रहा, देवनागरी लिपि में। रोमन मतलब जब हम अंग्रेजी में लिखते हो आप तो हिंदी में दिखाई पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं। अब अंग्रेजी की लिपि रोमन है और हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो जब हम लिखते हैं रोमन में आती है किस में, देवनागरी में, और जब देवनागरी में लिखेंगे तो किस में आएगी, तो रोमन भी आ सकती है। तो इस प्रकार से अब टेक्निकल चीज़ें बहुत आगे हो चुकी हैं, तो वो भाषा का रूप जो है बदलता जा रहा है। तो वो जो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं उसमें उन भाषा का प्रयोग कैसा है, अब देखेंगे। पहले व्हाट्सअप अब चल चुका है, पहले भाषाओं का स्पेलिंग देखा करते थे कि गलत ना हो जाए। अब तो स्पेलिंग व्हाट्सएप पे जब चैटिंग करते होंगे आप लोग, चैटिंग करते होंगे तो बहुत सारी भाषाएं गलत लिखते होंगे। जैसे कि अभी मैं बताऊं तो इसे आपको क्यों लिखना होता होगा, तो आप अधिकतर लोग क्यों लिखते हैं, अगर मैं बताऊं, अगर आप जो है बोलना होगा जो है, अगर पढ़ना लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, PDNA, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं। जैसे ओ माई गॉड लिखना हुआ तो OMG ही लिख दिया, ठीक, शॉर्टकट में चल रहे हैं बहुत से लोग, लिखने में कठिनाई होती है, ठीक। और आने वाले समय में अगर यही हाल चलता रहा, मैं बताऊं, अगर मैंने इस पे जो है एनालिसिस किया इस बात पर, तो हमारे अंदर एक जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एक चीज़ हमारे अंदर पूरा परिणाम निकल के आया। अगर ये लगातार ऐसे चलता रहा, मान लिया अगर हम व्हाट्सएप पे लगातार चैटिंग करते रहे, तो कुछ समय ऐसे सामाजिक तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लोग क्या हो जाएंगे, उसकी भावनाएं मर जाती हैं। जब आप व्हाट्सएप से किसी से बात करते हैं तो भावनाएं उसमें मरी हुई होती है। पता चला उधर से लिखा है कि हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, तो मतलब लिखा आपने हाँ ठीक है, मतलब अपने प्यार से वहाँ से भावना के रूप में यहाँ से लिखा कि ठीक है बाद में बात करते हैं, लेकिन जो आपके सामने है उसके सामने जब वो भाषा हो सकती है, तो वो हो सकता है आपके जो है खड़ूसपना के हिसाब से उसको जो है समझ रहा हो कि हाँ ठीक है बाद में बात करते हैं, चलो खड़ा, तो इस प्रकार से वो सोच रहा हो आपके बारे में, तो वो मतलब उसका पूरा का पूरा भावात्मक रूप आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे मौन होते चलेंगे, बोलने की शैली लोगों में कम होती चली जाएगी, लोग केवल व्हाट्सएप मतलब चैटिंग के माध्यम से सारी चीज़ें बताना चाहेंगे, अपने व्यक्त को बयां करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये प्रक्रम चलता रहेगा, 1000 2000 वर्षों तक अगर यही बात चलती रही, 1000 2000 मतलब अगर 500 वर्ष तक लगातार ये चीज़ें चलती रही, लगातार अगर कोई व्यक्ति टाइपिंग ही करता है, अधिकतर बोलता नहीं है, तो उसके बोलने की शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपको ध्यान होगा लैमार्क वार, डार्विन वार, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जब जो है पत्तियां खाते खाते जब जिस अंग का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो अंग बढ़ जाएगा, लैमार्क वार में बताया गया था, ठीक। तो इसी प्रकार से, और डार्विन वार ने बताया था कि जिसको प्रकृति रखेगी वो रहेगा, जिसको नहीं रखेगी वो मर जाएगा। लेकिन लैमार्क ने क्या बताया था, लैमार्क ने कहा था कि दो प्रकार के जिराफ हुआ करते थे, एक लंबी गर्दन वाले, वो सॉरी जो जिराफ हुआ करते थे वो पहले एक ही प्रकार के गाय जैसे हुआ करते थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि नीचे की घास खत्म हो गई, पानी बरसा, वो मतलब सूखा पड़ा तो ये सब सारी की सारी घास सूख गई, या पानी बरसा कुछ हो, मतलब ऐसी कंडीशन आई होगी कुछ प्राकृतिक आपदा, तो क्या हुआ सारा का सारा वनस्पति खत्म हो गई, तो धीरे धीरे पेड़ के पत्ते बचे, तो जिराफ उसको जो है खाने लगे लपक लपक के, तो अगली टांगों का प्रयोग और अपने गर्दन का प्रयोग ज्यादा किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मान लिया वो एक जिराफ था, उसने खाया लपक के, तो उसके जो बच्चा हुआ उसकी अगली टांग थोड़ी सी मतलब 2 इंच 3 इंच बढ़ी, उसकी गर्दन इतनी इंच बढ़ी, ठीक। उसके बाद में धीरे धीरे फिर क्या हो, उसने भी लपक लपक के खाया, वही कंडीशन उसके साथ भी थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अगली टांग और मतलब गर्दन का प्रयोग करते करते धीरे धीरे अनुवांशिकता में चेंज आता गया, और एक प्रकार से जो जिराफ गाय की तरह हुआ करते थे या भैंस की तरह हुआ करते थे, उन जिराफ का आकार ऐसा है कि उनकी जो लंबी गर्दन होती है, लंबी अगली टांगे होती हैं, आप देखते होंगे कितनी लंबी जो है, इसी को देख करके आप केरान वगैरह बनाते हैं, जैसे एक क्रेन होता है क्रेन, तो क्रेन जो जो है गाड़ी वगैरह जब पलट जाती है तो उसको उठाने आता है, तो उसी को उसी प्रकार से है नहीं, कुछ जिराफ देखते होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति गूंगा हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रयोग करेगा नहीं व्यक्ति। पहले आप देखते होंगे मनुष्य के भी पूंछ हुआ करती थी, तो पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गई, अभी हड्डी होगी उसके रीढ़ के पास में, पूंछ की हड्डी होती है, तो वो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, उस अंग का प्रयोग कम होता गया, तो वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। किसी भी चीज़ का प्रयोग कम करेंगे तो धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब मैं अपने हिसाब से इसको बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि मतलब चैटिंग करते करते आपकी बोलने की जो क्षमता होगी वो कम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि भविष्य में
आप नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से बढ़ता रहेगा ये सारी चीज़ें। मतलब मैं इसको उद्विकास बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत दिनों के बाद में ऐसा होगा, ये मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं कोई जो है ऐसा वो नहीं दार्शनिक या फिर वो नहीं हूँ कि मैं साइंटिस्ट ये बताऊँ या सारी चीज़ें, लेकिन मैं अनुमान कर रहा हूँ इस बात को। हालांकि मैं अपने सिलेबस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, तो संचार भाषा हो गई आपकी, संपर्क भाषा। जैसे संपर्क भाषा में आप देखते होंगे ऐसे प्रयोग, इसका प्रयोग मैं बताऊँ तो अंग्रेजी के प्रतिशब्द के रूप में हुआ है। संपर्क भाषा का अर्थ है वह भाषा जो दो भाषाओं के बीच संपर्क स्थापित करती है, करने का काम करती हो, जिनकी अपनी भाषा एक ना हो। हिंदी को इसी रूप में संपर्क भाषा बनाने का यत्न हो रहा है। जैसे आजकल आप देखते होंगे आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, मतलब वो एक भाषा के ना लैटिन है ना वो फ्रांस है ना अरबी ना फारसी, मतलब अनेक प्रकार की भाषाओं का समावेश करके नई भाषा बनाई जाती है। मतलब बनाई नहीं जाती, वो निकल जाता है लोगों के मुख से, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से संपर्क भाषा अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे चीन की संपर्क भाषा चीनी हो गई, रूस की संपर्क भाषा रूसी, उर्दू की मतलब पाकिस्तान की उर्दू हो गई संपर्क भाषा, हिंदी हिंदी अपने भारत की संपर्क भाषा हो गई। मतलब संपर्क भाषा की परिभाषा देते हुए डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं कि वह भाषा जो देश की अनेकानेक भाषाओं को संपर्क सूत्र में बांधती है, संपर्क भाषा कहलाती है। अंग्रेजी संपर्क भाषा है, उसी के साथ साथ हिंदी भी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। संपर्क भाषा का जो व्यापक जो है व्यापक रूप से धरातली विस्तार होता है, मतलब बहुत अधिक क्षेत्रफल पे उसका इसको बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये भाषाएं जाती हैं, ठीक, इनको स्वीकृति ही प्रदान होती है। और अंग्रेजी जो भाषा इस समय है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, ठीक, तो विभिन्न भाषाओं को भी ग्रहण करती है। उनके शब्दों को ग्रहण करने के उपरांत जो है ऐसी विशालतम भाषा जो एक बड़े धरातल पर व्यापक धरातल बोली जाती हो, तो इस प्रकार की भाषा जैसे हिंदी मान लिया बहुत लोगों के द्वारा बोली जाती है, एक विस्तृत भूखंड पर बोली जाती है, तो हिंदी संपर्क भाषा है, चीनी संपर्क भाषा है, उर्दू है, मतलब किसी भी देश की। अब जो है बात करूँ ऐसी भाषा किसी देश की, जरूरी नहीं कि मतलब वो राष्ट्रभाषा या राजभाषा ही हो। जैसे हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा है, तो हिंदी जो है भारत की कौन सी भाषा है वो संपर्क भाषा बोली जा सकती है। इस प्रकार से संपर्क भाषा होती है। उसके बाद में राजभाषा होती है, राजभाषा मतलब होता है जैसे कि जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त हो भाषाएं, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक। और जैसे कार्यालय है, राजकीय कार्यालय है, या फिर इनको किसी चीज़ को देना हुआ कोई चीज़, ठीक, आवेदन पत्र प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है उसी को राजभाषा बोला जाता है। उसके बाद में राष्ट्रभाषा आती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। इसी प्रकार से राष्ट्रभाषा आती है, राष्ट्रभाषा जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है तब वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जब कोई बोली विभाषा और फिर क्रमशः साहित्यिक रचना का माध्यम बनकर भाषा का रूप धारण कर लेती है और लोकप्रियता के फलस्वरूप समस्त राष्ट्र में विचार विनिमय का माध्यम बन जाती है, तब वह भाषा हम राष्ट्रभाषा, उस भाषा को हम बोल सकते हैं, ठीक। तो राष्ट्रभाषा हो गई, तो ये सारे के सारे आपको समझना होगा, बोलचाल की भाषा। इन भाषाओं को मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी मीनिंग क्या होती है, कहाँ कहाँ पे बोला जाता है, उदाहरण इनके किस प्रकार से हैं, ये सारे मैं बताऊंगा। ये फिलहाल वैसे मैं बता रहा था आपको। इसके साथ ही हिंदी का शब्द भंडार तत्सम तद्भव देशत आगत, ये हमने भी पहले भी बताया। अब हम खा में देखते हैं आपको, यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल की सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख युग, प्रवृत्तियाँ, उनकी विशिष्ट रचनाकार, उनकी उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएँ, ये सारी के सारे देखते हैं। विशेष किसी कवि के बारे में हमको नहीं, ना विशेष किसी रचनाकार के बारे में पढ़ना होता है। हाँ, उन जो है उस युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में हमको ध्यान देना थोड़ा पड़ेगा। आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, पढ़े हैं आप सेकंड ईयर में, पढ़े होगा आपने अच्छे तरीके से। जैसे आदिकाल की मैं बात करूं मित्रों, तो आदिकाल में जैसे कि सरहपा बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी के प्रथम कवि बोला जाता है इनको। इनका दोहा कोश है, ठीक, दोसा कोश कहीं कहीं पे लिखा मिलता है, तो सरहपा बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबरपा चर्यापद इन्होंने लिखी, इनकी पुस्तक है। गोरखनाथ है, ठीक, तो गोरखनाथ की जो पुस्तक है आपकी मैं बताऊँ, आलम बोध है एक, और दूसरी है महेंद्र गोरख बोध है, ठीक,
इस प्रकार सबदी भी गोरखनाथ की रचना है। दलपत विजय खुमान रासो लिखा इन्होंने, नारपत नाल बीसल देव रासो, ये सब आपको पता है। ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण आदिकाल के यानी वीर गाथा काल की पुस्तक पुस्तकें, जैसे पुस्तकों में आपने बहुत पढ़ा होगा जो है आलखंड पढ़ा होगा, आल्हा जिसको बोला जाता है, तो परमाल रासो उसको बोला जाता है, जिस जगनिक की रचना है वो। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है, ठीक। नरपत नाल बीसल देव रासो लिखी इन्होंने, ठीक। विद्यापति कीर्ति पताका कीर्ति लता पदावली से विद्यापति ने लिखी है। इसके अंदर बहुत सारे कवि हुए, इनमें दामोदर शर्मा, ठाकुर ज्योति ज्योतिरीश्वर, ठीक, मुनि राम सिंह है, इन्होंने पाहुड़ दोहा लिखा, ठीक। दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी लिखा है उन्होंने, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जैसे भक्ति काल को देख लेते हैं, तो भक्ति काल में आपके प्रमुख कवि हैं कबीर दास, जिसको जिन्होंने बीजक लिखा। बीजक में तीन भाग हैं, साखी सबद रमैनी, ठीक। तो साखी मतलब होता है साक्षी, सबद मतलब होता है शब्द, रमैनी मतलब होता है रामायण। तो ये सारी चीज़ लिखा किसने, कबीर दास ने लिखा। और फिर उसके बाद मलुक दास हो गई, इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ज्ञान परोच, बाहर खड़ी, ठीक, ध्रुव चरित इत्यादि मलुक दास ने लिखा। इसके बाद सुंदर दास है, मुल्ला दाऊद, दामोदर, ईश्वर दास, कुतुबन, ठीक, मंझन हो गए, जायसी, गणपति जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारी रचनाएं हैं। मंझन मधुमालती इन्होंने लिखा, ठीक। सुंदर दास, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये सारी रचनाएं हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुलसीदास जी को ध्यान रखेंगे, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली है, गीतावली भी जो है तुलसीदास जी ने लिखी है, पार्वती मंगल, रामलला छहूँ, अष्टयाम एक कविता है बहुत महत्वपूर्ण है, नाभा दास ने लिखी। केशव दास को देखेंगे तो कठिन काव्य का प्रेत, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका, मतलब इसमें जो है मतलब थोड़ा प्रिया प्रिया लगा हो या फिर चंद्रिका लगा हो, चरित्र मतलब लास्ट में वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, ये रचनाएं की है, ठीक। केशव दास की सेनापति, फिर सूरदास में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सेनापति ने कविता रत्नाकर लिखा, नंद दास हैं, तो इसी वीर मतलब भक्ति काल के कवि हैं, रस खान, मीरा बाई, ये सब महत्वपूर्ण है, इनको एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं बता दूंगा सबको कि विशिष्ट रचनाकार कौन है और उनकी प्रतिनिधि कृति कौन कौन सी है, ठीक। मीरा सी जी का मारा राग सोरठा का पद है, रस खान प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, और उसके बाद में दान लीला, अष्टयाम इन्होंने भी लिखा है, अष्टयाम एक अष्टयाम नाभादास ने लिखा है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। रीतिकाल फिर आता है, ठीक, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो रीतिकाल के इंपॉर्टेंट कवि आपके हैं चिंतामणि, मतिराम, भूषण बिहारी, मंडन, आलमदेव इत्यादि हो गए। तो इसे चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, छंद विचार, कवि कुल कल्पतरु, इनकी रचना चिंतामणि की। मतिराम की रचनाएं देखेंगे आप तो रस खान मिले, सॉरी रस राज है, ललित ललाम, सतसई है, अलंकार पंचासिका है, वृत्त कौमुदी है, ठीक। इसी प्रकार से भूषण की अगर आप रचनाएं देखेंगे मित्रों, तो भूषण की भी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, मतलब जी है, तो ये मतलब शिवा जी के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखने वाले, मतलब रीतिकाल की विशेषता ही है कि मतलब राजाओं के यहाँ रहते थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा लिखते थे, ठीक, जो इनके आश्रय होते थे उनकी प्रशंसा, जिनके यहाँ रहते थे उनका गुणगान गाते थे। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, अलंकार, प्रकाश, ठीक, इस प्रकार से इन्होंने लिखा भूषण ने। बिहारी, बिहारी की सस्तई है, बिहारी बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक। तो बिहारी जो है गागर में सागर भरने का काम करते हैं, कि इन्होंने बिहारी के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि दे एक है जो है सतसैया के दोहरे, यानी बिहारी सतसई के जो दोहे होते हैं, सतसैया के दोहरे, जो नाबक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, मतलब देखने में बहुत छोटे लगेंगे इनके दोहे, लेकिन मतलब अर्थ अगर निकालेंगे तो बहुत बड़े अर्थ निकलेंगे, ठीक। मंडन एक कवि हैं, रत्न इन्होंने जो है रस रत्नावली लिखी, नकसिक है, आलम तो आलम केली इन्होंने लिखी, देव ने भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राधिका विलास, नीति शतक इत्यादि लिखी है देव ने, ठीक। तो देव हो गए, उसके बाद में आपके घनानंद हैं, घनानंद ने सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध इत्यादि लिखी, इश्क लता इन्होंने लिखी है कविता, बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। उसके बाद में फिर रसलीन है, अंगद अंगदर्पण, ठीक, तो अंगदर्पण लिखा इन्होंने रसलीन ने, ठीक। और इसके बाद में स्फुट छंद इन्हीं की रचना है रसलीन की, ठीक, रस प्रबोध, तो ये सारी पुस्तकें इन सभी लोगों ने लिखी। फिर उसके बाद देव पद्माकर एक कवि हैं,
इम्पोर्टेंट है जा रहे ज़्यादा के ज़्यादा, मैंने बताया जिनकी रचनाओं को। उसके अंदर में आधुनिक काल आता है मित्रों, और आधुनिक काल में लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिचंद, बालकृष्ण भट्ट, ठीक, देवकीनंदन खत्री, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेम घन हो गए, बहुत सारे कवि आते रहेंगे, श्रीधर पाठक, किशोरीलाल गोस्वामी, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, जय शंकर प्रसाद जी आएंगे, ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद पंत निराला, छायावाद के बड़े ही महत्वपूर्ण, सुमितन पंत, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, हीरा नंदवा सेनज्ञ, सचिदानंद, ठीक, गजानन माधव, मुक्ति बोध, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बहुत रचनाएं हैं, धूमिल, शमशेर, बहादुर सिंह, फणीश्वर नारायण रेणु, रघुवीर सहाय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, मिश्र बंधु, शिव सिंह तो सेंगर, श्री लाल शुक्ला, राही मासूम रजा, विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय, दुष्यंत कुमार, उपेन्द्र नाथ अस्क, इला चंद्र जोशी, राहुल शंकर त्यायन, बनलाल वर्मा, ठीक, मोहन राकेश, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, ये बहुत सारे जो है कवि हैं जो जो है इसमें आए हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम। और बहुत सारे कवि हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक, चॉकलेट इनकी एक रचना है बड़ी फेमस है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, धरती खिले गुलाबों की इनकी रचना है, ठीक, भारत भूषण हो गए, ये सब कवि हैं, मतलब इन सभी को मैं बताऊंगा, इनकी रचनाएं जो फेमस हैं जो आपको एक बार देख लेनी है, मैं बताऊंगा एक टॉपिक के माध्यम से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत विशिष्ट रचनाकार और उनकी प्रतिनिधि कवि कृतियों के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सही से समझा जाएगा कि इनकी कौन सी रचना किसकी है, ठीक, साथ ही देखेंगे भक्ति काल की कौन सी है, आदि काल की कौन सी है, रीति काल की कौन सी है, और आधुनिक काल की कौन कौन सी रचना है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग की कौन है, ठीक, उसके बाद में छायावादी की कौन है, द्विवेदी युग की कौन सी रचनाएं हैं, ठीक, इस प्रकार से बहुत सारी जो आधुनिक कविताएं कौन कौन सी हैं, प्रयोगवाद कौन कौन से, प्रयोगवाद की विचारधारा किस में है, प्रगतिवादी किस में है, कौन से कवि ऐसे हैं जो मार्क्सवादी हैं, कौन से कवि ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, ठीक, तो ये सारी बातें मैं चर्चा करेंगे, ठीक, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ इसके बाद की वीडियो जो मैं लाऊंगा वो वीडियो होगी आपकी मित्रों, कौन सी होगी वो वीडियो मैं इसके बाद ही लाऊंगा, प्रयोजन मूलक हिंदी यानी BA थर्ड ईयर का तृतीय प्रश्न पत्र दोस्तों, तो वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे, सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग जो है सीरियल से हिंदी साहित्य पढ़ सकें और उसमें अपनी रुचि बना सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतनी ही अच्छी मेहनत हम कर सकेंगे आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।